कि पवन सिंह सुन न रहे कभी जीवन में ना, पवन सिंह ना सात जन्म ले तू ना, काहे कि जो खेसारी लाल यादव है ना ब्रांड है, ठीक ना, ईश्वर के वरदान है, ठीक ना, गायकी के अलावा उनके पास और क्या है, लेकिन ना पावर ग्लोबल स्टार से सुर और वो वहीं पे खत्म। क्या बोल रही है कि पवन सिंह के इर्द गिर्द पूरा जीवन लग जाएगा फिर भी आप उस लायक नहीं हो पाइएगा, उसका एक पर्सनल थिंकिंग था, बोल रही सर सुबह मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि वो कभी भी जीवन में पवन जी के इर्द गिर्द भी बैठने लायक नहीं बन पाइएगा। अरे सुन रे, कभी जीवन में ना पवन सिंह ना सात जन्म ले तू ना, तो खेसारी लाल यादव लेखा ना स्टारडम और शोहरत और पैसा कभी जीवन में ना कमा सकत हूँ ना उचित पा सकत हूँ, काहे कि जो खेसारी लाल यादव है ना ब्रांड है, ठीक ना, भगवान के साक्षात ईश्वर के वरदान है, ठीक ना, जबकि मेरा भाई तुम्हारे पवन सिंह जी के बारे में बोला भी था कि गायकी के अलावा उनके पास और क्या है, लेकिन इन द सेंस ऑफ उन्होंने पवन सिंह की गायकी को अप्रिसिएट किया, लेकिन उस चीज़ को तुम लोग एक बार भी नहीं बोला, बस इस चीज़ को उठा के चला रहे हो कि कॉम्पिटिटर नहीं मानते, तो सही बात तो है भाई, उनका है ये कुछ कॉम्पिटिटर करे ला भाई, खेसारी लाल यादव आज हर चीज़ से उनका से बेटर है, तू कोई चीज़ भी ले लेना। कहा तो कि 100 मिलियन कौन देखा, तो खेसारी का तो क्लियर कर चुके हैं क्या 100 को गाना मेरा 100 मिलियन है, तो कई बार हम आके भौकाल बनाए, लेकिन करे एक जो 100 मिलियन चल जाओ तो ओकरे भी भौकाल घींचते रहो, तो यही हो ना भाई पावर, पावर बल्कि यही शुरू होता है, यही से खत्म ना, पावर ग्लोबल स्टार से शुरू और वह वहीं पे खत्म, बाकी अब कोई ना हो भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो तू बोल रहे हो कि पवन सिंह के अलावा कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है, तो बाबू तुम गलत हो, गलत तुम फोबिया के शिकार हो गई हो, तुम गलत फहमी के शिकार हो चुके हो, सबसे बड़ा स्टार कोई हो भोजपुरी में तो हो ट्रेंडिंग स्टार ग्लोबल स्टार खेसारी लाल यादव, इसलिए और कोई नहीं है, इसलिए मेरा भाई जो भी मेरा चाहने वाला और जो खेसारी आर्मी और खेसारी फैन जो भैया को चाहता है और प्यार करता है, सब लोग इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा ताकि शुभम्मा के पास जाए और देखे, जब तुम ऐसे बोल सकते हो भाई तो हम तो अपने स्टार के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं।